भविष्यवाणी की जाए। वैसे मैंने 2021 में दो भविष्यवाणी की थी और वो तुरंत पूर्ण हुई। सबसे पहले मैंने बोला था कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक भूकंप आएगा जिसका केंद्र बिंदु उत्तराखंड का पहाड़ होगा। कुछ ही घंटों में खबर सुनने को मिली कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पहाड़ी में हुआ और वहां से पानी की बहुत तेज बहाव जिसमें बहुत गारत था बहकर आया और बहुत सारे मजदूरों की जान उसमें चली गई और भारी नुकसान हुआ कुछ ही घंटों में। उसके बाद फिर मैंने 2021 अप्रैल के महीने में या मई के महीने में जब कोरोना अपने चरम सीमा पे था और बहुत से लोग जो है मारे जा रहे थे, मर रहे थे और बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिल रहे थे और पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो मैंने वहां से भविष्यवाणी की थी। उसका अगर क्लिप मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा और लॉकडाउन खुल जाएंगे और मार्केट में पूरी तरह से पूरे शहर में वही चहल पहल हो जाएगी जो पहले देखने को मिलती थी और किसी भी तरह की कोरोना के कारण दुखद समाचार अब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया और आज तक वैसा ही है और कोरोना की वजह से कोई भी दुखद समाचार नहीं मिला पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आप जो हैं गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि अप्रैल या मई का महीने में कोरोना जो है किस तरह से बिल्कुल समाप्त हुआ। तो आज की जो मेरी भविष्यवाणी है वो मणिपुर को लेकर है, क्योंकि मणिपुर में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, जो चलावा है, वो बहुत ही भयानक है और एक अराजकता का माहौल जो हमारा फैल रखा है कुकीज और मैथई के बीच में। लेकिन जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर की योजना से ही होता है, इसमें कुछ ना कुछ भला अवश्य हो सकता है जो मेरा मानना है। किंतु होने क्या वाला है जो मुझे प्रतीत होता है, जो मुझे अनुभव होता है या कह सकते हैं जो मुझे प्रदर्शन होता है, हो रहा है, कुकी लैंड की जो उनकी डिमांड है वो अवश्य पूर्ण होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता और बहुत ही शक्तिशाली ये लैंड बनेगा कुकी लैंड। और इसमें देश का जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, अगरतला और आसाम का एक बहुत बड़ा भूभाग इसमें शामिल हो जाएगा, साथ ही अरुणाचल प्रदेश भी। और ये एक बहुत ही जो है सक्षम और जो भी होगा कुकी लैंड वो बनेगा और समृद्ध भी बहुत होगा, वैभवशाली भी होगा और परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा।